हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आधार सुपरवाइजर के बारे में, डीजीएम स्कीम के बारे में, एमआईएस एक्सपर्ट के बारे में। यहाँ पे तीनों जॉबों के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। आप किस तरीके से इन जॉबों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप अगर जॉब सीकर है तो कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामीण भारत का विश्वसनीय रोजगार पोर्टल, फ्री रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे, रिज्यूम मेकिंग है यहाँ पे। आप जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल ही आपको इस वाले पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई हेयर, एमआईएस एक्सपर्ट, डीजीएम स्कीम, आधार ऑपरेटर। आप अप्लाई हेयर पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आधार ऑपरेटर इस तरीके से, और यहाँ पे आप टर्म एंड कंडीशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर, एजुकेशन क्या है आपकी, मिनिमम 12th पास होना चाहिए, और यहाँ पे अगर आपके पास आईटीआई है या 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है इस तरीके से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे द पर्सन शुड बी एज ऑफ 18 इयर्स, यानी 18 इयर्स से आपकी एज ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आधार सुपरवाइजर का, किसी भी ऑथोराइज एजेंसी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए, ऑपरेटिंग एक कंप्यूटर सिस्टम की थोड़ी बहुत सूझ समझ आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पे आपको क्लिक करके एक्सेप्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ ताकि और चीज़ें आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। सिंपली आप जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजीएमसीएससी स्कीम भी आपके पास है, आधार ऑपरेटर भी है, और यहाँ पे अप्लाई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम आधार ऑपरेटर वाले जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। सिंपली कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, किन किन जिलों में, किन किन स्टेटों में जॉब यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जॉब कौन कौन से जिलों में, सारी मध्य प्रदेश में भी जॉब है इस तरीके से, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, और उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है, और वेरीफाई ओटीपी यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। ये यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे अपना मेरिटल स्टेटस, सिंगल है तो सिंगल, मेरिड है तो मेरिड, उसके बाद फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम डालना है, यहाँ पे करंट एड्रेस आपको डाल देना है, जो भी आपका करंट एड्रेस है, यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट ऑफिस आपको कर देना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, यहाँ पे स्टेट डाल देना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इसके बॉक्स पे क्लिक कर देना है, यानी सेम है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे जो आपने ऊपर एड्रेस भरा है वो भी यहाँ पे फिल हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देना है, 12th है या डिप्लोमा होल्डर है जो भी, यहाँ पे भी सिलेक्ट एजुकेशन आपको डाल देना है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस डाल देना, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद सिलेक्ट ईयर डाल देना कितना आपको एक्सपीरियंस है, 1 साल का, 2 साल का। उसके बाद मंथ यहाँ पे आपको डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम डाल देना, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है वो यहाँ पे डाल देना इस तरीके से, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपने काम किया है। उसके बाद सिलेक्ट डे यहाँ पे डाल देना, कितने दिन आपने काम किया इस तरीके से जो भी। उसके बाद फर्स्ट जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे डाल देना है कि आप कहाँ जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, भोपाल में, सीहोर में, जहाँ भी आपको करना है, सिवनी में, सतना में, सागर में, इस तरीके से। उसके बाद सेकंड जॉब लोकेशन भी आपको डाल देना है इस तरीके से, जहाँ भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद थर्ड जॉब लोकेशन भी आपको यहाँ पे डाल देना है, फिल कर देना है इस तरीके से, जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको यूआईडीआई सर्टिफिकेट जो आपके पास है उसका नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद यहाँ पे उसका अपलोड फोटो कर देना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको
रिज्यूम डाल देना, अपलोड रिज्यूम, यहाँ पे जो आपका रिज्यूम है वो यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद इस बॉक्स के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर कर देना है, और इस तरीके से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं।